संस्था विकास कार्यक्रम भी बीच कर ईशा थोड़ा पीछे बस हेलो हाँ परत बस ले आतापर्यंत अनुभव पाहता खरं तर ज्या पक्षाचे ते आहे ज्या पद्धतीने राजकीय बोलणं आणि पाहायला पाहिजे अपेक्षा आहे खरंच की न्याय होईल किंवा थोड़ा मागे रहा दादा मागे मागे पाटी ना मित्र आहे मित्र हो रिपोर्टर मागे मागे हो अरे हो दादा अरे याचं नाव काय बिहारच्या अध्यक्षांनी कोर्टाच्या निर्णयानुसार कारण कारवाई केली नाही आणि खूप कालावधी घेतला असंही या ठिकाणी मिळतं की एक पर्टिक्युलर कालावधी अध्यक्षाला कोर्टाने दिल्या नसल्यामुळे हे खूप काळ चालू शकतं त्यांच्या निलंबनाची दिसत नाही असं त्याचं दिसत नाही त्याच्यामध्ये विशिष्ट काळ म्हणजे काळ तारीख म्हणजे नाही पण लवकर करण्याच्या संबंधीचे इंडिकेशन आहे राज्यपालांच्या बाबतीमध्ये आज राजीनामा द्यावा का अशी डिमांड होते कारण की स्पीकरच्या बरोबरच जो व्हीप आहे तो सुनील प्रभू हेच असणार आहेत जे शिवसेने ठाकरे गटाबरोबर आहेत अशा परिस्थितीमध्ये यांना नैतिकतेच्या आधारावरती राजीनामा द्यावा असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे काही दुसऱ्या नेत्यांचं सुद्धा म्हणणं आहे उद्धव ठाकरेंचं सुद्धा म्हणणं आहे तुम्ही कशा पद्धतीने बघताय मला असं वाटतं की नैतिकता आणि लिडरशिप इतकी फार कॉन्ट्रडिक्शन आहे त्यामध्ये कॉन्ट्रडिक्शन वर काय मत द्यायचं भूमिकेवरती पण बराच आक्षेप घेतलेला आहे की त्यांची भूमिका जी योग्य नव्हती कुणाची राज्यपालांची त्यांच्या संबंधीचं एकंदर आंदोलन घेतल्याच्या नंतर त्याही स्टेटमेंट केलं होतं खरं सांगायचं म्हणजे तेव्हाही मी म्हणलं होतं की कॉन्स्टिट्युशनमध्ये राज्यपाल हे एक इन्स्टिट्यूशन आहे त्या इन्स्टिट्यूशनची अप्रतिष्ठा कशी केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रामध्ये त्या काळात मिळालेलं होतं सुदैवानं ते आज इथं नाही आहेत
त्यावर अधिक भाष्य करण्याचं कारण नाही. आणि भाजप शासित राज्य नसताना केंद्र सरकारकडून जे राज्यपाल ज्या ज्या राज्यामध्ये आहे तिथे भाजप सत्तानी आहे त्या ठिकाणीही असे प्रयोग पुन्हा होतील असं वाटतं या माध्यमातून. साधारणतः निवड करताना जी काळजी घ्यावी लागते ती काळजी न घेता जाणीवपूर्वक तिथल्या स्थानिक आंतरराष्ट्रीय विचाराच्या लोकप्रतिनिधींना किंवा संस्थेला त्रास कसा होईल ही भूमिका घेऊन नियुक्त केल्याचं हे घडत आणि हे घडतं ते मोठ्या होते त्याचंच उदाहरण या ठिकाणी महाराष्ट्राचं आपण पाहिलं. सवाल हिंदी में जाना चाहता हूँ. जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय आया निर्णय के बाद लगता है ना जिस तरह से सिंधे ग्रुप ने यहाँ पर अपने अपना कदम उठाया यही कदम देश के अन्य राज्यों में भाजपा शासित राज्यों में भी आने वाले भविष्य में उठा सकते हैं. उनके लिए एक रास्ता खुल गया है कि हम ये कदम उठाएंगे और कोर्ट कुछ नहीं करेगा. रास्ता याद नहीं सही भी होता. आप देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हुकूमत थी वहाँ के एमएलएस खुले गए अब दूसरी हुकूमत आ गई. ये कर्नाटक में हमने देखा और कुछ जगह पर देखा गोवा में देखा. आज भारतीय जनता पार्टी उनकी लीडरशिप इनकी एक स्ट्रैटेजी है वो खुद जीतते नहीं तो एमएलए को छोड़ कर पार्टी छोड़ कर अपना भवन बनाने की कोशिश करते हैं और सरकार चलाते हैं. ये दिमाग उसी के लिए अच्छी बात नहीं मगर ये बात हल्की वैसी हम लोगों को आम जनता को बतानी होगी और उनका सफल चाहिए आगे जाना. मतलब महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बोर्ड की परीक्षा है आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता के लिए. हमें लगता है कि जो डिसीजन आ गया और ये डिसीजन में जिस तरह से बातें शिव जैसे साहब ने कही ये देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी निश्चित रूप से अथॉरिटी कैसी होती है बीजेपी सरकार के लोगों से ये कहना हमें आसान हो जाएगा. सर सवाल ये जब उद्धव ठाकरे चले गए उन्होंने इस्तीफा दे दिया अगर उन्होंने नहीं दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कहता है हम के पक्ष में निर्णय दे सकते थे. एक मौका था उन्होंने उस वक्त राजनीतिक सूझबूझ वाला निर्णय नहीं लिया ऐसा आपको लगता है. उन्होंने खुद कहा कि मैंने जिसे ले लिया क्यों लिया ये बात उन्होंने कही है तो अभी इस वक्त बोलने में क्या फायदा है. एक तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कहा वो नहीं देते तो क्या स्थिति होती थी. मगर इसमें उद्धव जी को भी ऐसे लगा कि जिन लोगों को मैंने इसी मदद की ताकत दे दी उनको राजनीति में लोगों में लाने के लिए मेहनत की वही लोग मेरे खिलाफ इस तरह से बातें करते हैं तो ये मुझे पसंद नहीं मुझे सहन नहीं होता इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया. ये बात उन्होंने कहने के बाद अभी और कुछ कहने की आवश्यकता विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के पास सारे अधिकार दिए हैं फैसला करने के लिए कि विधानसभा अध्यक्ष भी तय करे और 16 जो विधायक है उनको किस तरीके डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना है. टाइम फ्रेम दिया नहीं गया लगता है टाइम बाय किया जाएगा और जब तक इलेक्शन नहीं आए तब तक वक्त खींचा जाएगा. मुझे लगता नहीं ऐसे होगा क्योंकि इंडिकेट किया है कि कैसे करना कब करना ये इंडिकेट किया वो नजरअंदाज नहीं कर सकते और नजरअंदाज किया तो कोर्ट में जाने का अधिकार सभी को है. राज्यपाल की भूमिका पे क्या कहेंगे सर हिंदी में सर राज्यपाल की भूमिका पे क्या कहेंगे सर राज्यपाल लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के भी घेरे में है. सगळ्यांना आल्यात तरी आता इथे राहिलीची असते नाही आली. महाविकास आघाडीचे प्रणेते म्हणून आपल्याला मानले जातात अनेक निर्णयामध्ये आपली भूमिका विचारली जाते. उद्धव ठाकरेंनी राजीनाम्या दरम्यान आपली भूमिका जर विचारली असती आपल्याला राज्यपाल की भूमिका आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कुछ चीजों का निरीक्षण किया हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए. राजभवन यहाँ नहीं राजभवन यहाँ रहते थे हम बोल सकते थे कि उनको निकाल दो यहाँ से मगर अभी आज वो गए घर में वैसे वहाँ शांति से जो कुछ नुकसान करना है वो नुकसान करके गए. हमेशा महाराष्ट्र के हिस्ट्री में उनका नाम रहेगा कि ऐसा भी राजभवन हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल डेमोक्रेसी का नाम सब
नजरअंदाज करके राज चला सकता, ठीक है हो गया। जयपाल के खिलाफ ईडी की जब नोटिस आती है, सर ईडी के खिलाफ जब नोटिस आती है, आखिरी सवाल अभी बसा है, इसका जवाब दिया सोलापुर पटना की तारीख।